नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले सदर SDM धनंजय कुमार की अध्यक्षता में मेड़पतियों और पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक। एयर क्वालिटी इंडेक्स से हो सकता है कई जानलेवा बीमारी, वायु प्रदूषण की वजह से खतरा। बढ़ती महंगाई में मूर्तिकारों की माली हालत हो रही खराब, डूब रहे कर्ज में। राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन केक काटकर एवं वृक्षारोपण कर धूमधाम से मनाया। फर्जी फाइनेंस कंपनी ने 600 महिलाओं को लगाया तकरीबन 3 करोड़ रुपए का चूना, रातों रात कंपनी हुई फरार। और अब खबरें विस्तार से। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले सदर SDM धनंजय कुमार की अध्यक्षता में मेड़पतियों और पूजा समितियों के सदस्यों के साथ बैठक। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित अति प्राचीन बाबा मनस कामना नाथ मंदिर में आगामी त्योहार दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले सदर SDM धनंजय कुमार की अध्यक्षता में मेड़पतियों और पूजा समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस लाइन DSP संजीव कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान, ललमटिया OP प्रभारी हरेंद्र कुमार, मधुसूदनपुर OP के SI आदर्श कुंदन, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान, उमरकांत मंडल समेत सभी मेड़पति और पूजा समिति और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं इस बैठक के दौरान सदर SDM धनंजय कुमार ने कहा कि सभी मेड़पतियों को आगामी त्योहार काली पूजा को लेकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है और लाइसेंस में दिए गए समय और नियमों का हर संभव पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान DJ पर पूर्णतः बैन रहेगा, नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। भागलपुर के सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में सभी पूजा पंडालों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है। वहीं विसर्जन जुलूस की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। साधु निवास में भी पुलिस बल इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। वहीं पुलिस लाइन भागलपुर के DSP संजीव कुमार ने कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। पूजा पंडाल व विसर्जन रूट में अर्धसैनिक बलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। भागलपुर से कुमार छोटू की रिपोर्ट। समय इनका बिल्कुल समय के साथ उपयोग ने टाइम डिसिप्लिन को फॉलो किया और बहुत बढ़िया तरीके से ज्यादा टाइम से संपन्न हुआ और विसर्जन भी संपन्न हुआ। तो बस ज्यादा कुछ बोले नहीं, सब बातें हो चुकी है। जो कि इम्पोर्टेंट बात है, जैसे लाइसेंस जो है आपको समय पर दे दीजिए और ये ध्यान रखना है कि लाइसेंस की जो शर्तें हैं, चाहे वो टाइम की बात हो, जैसे उन्होंने कहा कि समय से उठाएंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो आप विसर्जन में उन्होंने कहा कि टाइम लगता है, हमने भी देखा विसर्जन, तो आप समय से उठाएंगे जो जुलूस के लाइसेंस को दिया हुआ है और समय तक आप आपके कम से कम घाट पहुंचाने, उसके बाद समय लगना लगेगा, लेकिन जो समय है उस समय के अंदर ना घाट तक जरूर पहुंचे, तो वहां से अपना जो समय है तो उसमें उसको उतारते हैं, उसमें से कई चीजें निकाली जाती है, कुछ चीजें रखा जाता है, वो प्रक्रिया आप उसको फॉलो करें, लेकिन घाट तक समय से पहुंच जाए। उसके बाद भी अपना सब लोग रहेंगे, वहां भी पहुंच रहेगा, मजिस्ट्रेट रहेंगे, हम लोग रहेंगे, ताकि वो भी अच्छे तरीके से एक सुनियोजित तरीके से सबका विसर्जन संपन्न हो। दूसरी बात यह है कि कुछ शिकायतें मिल रही है चारों तरफ से, दिवाली को लेकर बहुत सारे जुड़वादी का आटा हो रहा है, सब लोग युवा में आटा लगा रहे हैं, वहां पे लोग नशा का सेवन करके जा रहे हैं, काफी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप लोग भी निगरानी रखे, हमारा ठीक पर काम करेंगे। दूसरा ये है कि जो जुलूस है उसमें जो लाइसेंस की जो शर्त है, जैसे कि नशा का सेवन करके नहीं है, उस जगह से शिकायत आई है पहले भी, जो जुलूस निकला है उनके बसों उसमें लोग नशा का सेवन करके पहुंच रहे हैं और उन लोगों को होश नहीं होता कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को ही गाड़ी खा देते हैं, तो नशा का सेवन जो लोग करके जा रहे हैं उनको आप लोग रुके, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी ऐसे लोगों को बिल्कुल ही उत्साहित न करें, हतोत्साहित चिन्हित करें, उनको पहले नशे में खोल दे रहे हैं। दूसरा ये हम लोग वीडियो से उसकी निगरानी कर रहे हैं, हम लोग उसकी फोन से भी निगरानी करेंगे, जितने पूजा पंडाल है
वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो सभी जितने भी असामाजिक तत्व होते हैं सब पे हमारी नजर रहेगी, कुछ भी गलत करेंगे हम सब पे नजर रहेगा सच्चा। तो ये सब ना हो, हम चाहते हैं एकदम धूमधाम से मनाए, शोभा यात्रा भी धूमधाम से निकाले, पूरा प्रशासन आपके साथ है, लेकिन आप नियम तोड़ेंगे तो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट करेंगे तो हमने पहले भी सबको जेल भेजा है, बाद में भी जेल भेजा है, इसके लिए हम बहुत मोटी बात है। तो सोशल मीडिया पर आपको सतर्क रहे, बच्चों को समझाएं, ये छोटा सा उन्माद जाकर कुछ भी लिख देते हैं या कहीं कुछ कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उसको बहुत मानना पड़ेगा, उसका पूरा करियर खराब होगा। तो आप लोग बच्चों को समझाएं, बात है अगर आप यहाँ पे निर्वाचित रूप में आए हैं, प्रजा समिति को आए हैं, जैसे साहब ने कहा कि आप जिम्मेवारी लेने के लिए आए हैं, आवेदन दिए तो जिम्मेवारी निभाइए, हमसे जो सहयोग चाहिए, जैसे नायक साहब ने कहा एक एक चलते चलते पे हमारा पोस्ट रहेगा, सभी धार्मिक स्थान से लेके पूजा पंडाल विसर्जन स्थल संवेदनशील स्थान सब पे हमारा पोस्ट है, बस आप जो भी शर्त है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, शर्त का पालन करिए, टाइम डिसिप्लिन को फॉलो करिए, और जो हमसे सहयोग चाहिए हम लोग कभी हो रहा आपके साथ एकदम उपलब्ध रहेंगे कभी भी। तो बस इसी अनुरोध के साथ विशेष महत्व है, और नाथनगर में भी अच्छी संख्या में यहाँ पे मूर्ति का निर्माण होता है, और लगभग 18 से 20 विसर्जन शोभा यात्रा भी निकलती है। तो आज यहाँ पे सभी मेड़पतियों के साथ हम लोगों ने बैठक की ताकि जो भी उनका स्पेसिफिक समस्या है वो हम लोग जान पाए, ताकि उसका ससमय निदान किया जा सके। और बाकी जहाँ तक अन्य तैयारियों की बात है, तो नाथनगर हमेशा से एक खुद में एक सेल्फ सस्टेन यूनिट के तरह काम करता है, यहाँ पे जो पूजा समिति है वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और प्रशासन को बहुत मदद मिलता है इससे, और इसके अलावा जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती है, साथ ही साथ घाट की सफाई हो या फिर रास्तों की मरम्मति या फिर लाइटिंग का काम हो, तो जो हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी मुताबिक सारा कार्य किया जाएगा। नहीं देखिए, विवाद कुछ नहीं है, उसमें नियम स्पष्ट है कि जो एक्ट है उसके तहत हम लोग यहाँ पे दो स्पीकर और दो जो हॉर्न बोलते हैं उसको अलाउ करते हैं एक विसर्जन शोभा यात्रा में। वो ऐसा नहीं है कि आप एक विसर्जन शोभा यात्रा में ऐसा किए कि एक गाड़ी पे चार लगा लिए और दूसरे गाड़ी पे भी चार, तो हर एक विसर्जन शोभा यात्रा में केवल चार स्पीकर, जो कि पब्लिक रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए आवश्यक होता है, कभी कभी आपको ही आवश्यक होती है अपनी विसर्जन शोभा यात्रा को गाइड करने के लिए, तो उसको अलाउ किया गया है और कोई समस्या नहीं थी। दुर्गा पूजा में भी सभी लोगों ने इस बात को माना और उम्मीद करता हूँ कि काली पूजा में भी इसी प्रकार से सब लोग करेंगे। दिवाली में क्या ऐसा पटाखे छोड़ेंगे? काली पूजा और दीपावली और छठ के मद्देनजर को देखते हुए एसएसपी और रैप और कटिहार से हमारी टीम बीएमपी की आ रही है, पूरे भागलपुर में हर जगह पूजा पंडाल या घाट हो या मूर्ति विसर्जन जो रास्ते हैं सभी जगह हमारी फोर्स तैनात है। एयर क्वालिटी इंडेक्स से हो सकता है कई जानलेवा बीमारी, वायु प्रदूषण की वजह से खतरा। भागलपुर में ठंड ने दस्तक दे दी है, अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अधिकतम तापमान पिछले हफ्ते 32 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा अधिक रहने के बाद अब 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। सोमवार को यह 30.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 घंटे में 18.4 डिग्री से घटकर 17.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह करीब एक हफ्ते में न्यूनतम तापमान का सबसे कम स्तर है। सुबह और शाम में कोहरा छाने लगा है, जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है जिले में तापमान में और कमी आई है। अधिकतम तापमान 24 घंटे में 0.6 डिग्री घटकर मंगलवार को 29.6 रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में इस दौरान 0.3 डिग्री की कमी और यह 17.2 रहा। दूसरी तरफ शहर में वायु प्रदूषण में भी कमी आई है। सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर मायागंज क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 260 रहा, जो एक दिन पहले सोमवार को 301 था। कचहरी का AQI 220 रहा, जो एक दिन पहले 262 था, लेकिन कोहरा अब घना होने लगा है और पहले की तुलना में ज्यादा छाने लगा है। मंगलवार की शाम लगभग 4:30 बजे मुजाहिदपुर और आसपास के क्षेत्र में थोड़ा घना कोहरा छाया हुआ था। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालात यह हो गए हैं कि भागलपुर का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। सोमवार को मायागंज अस्पताल के पास AQI 302 जबकि कचहरी चौक के पास AQI 260 था। क्यों हो जाते हैं वायु प्रदूषण खराब? वायु प्रदूषण खराब होने का वजह इंडस्ट्री से निकलने वाली धुआं, सड़कों पर चलने वाले वाहन से निकलने वाले धुआं ज्यादातर खतरनाक होता है, उससे कई बीमारियां भी होती हैं। वहीं मौसम की मिजाज बदलते ही इसका असर लोगों पर पड़ना शुरू हो जाता है।
खासकर सर्दी के मौसम में एयर इंडेक्स पर इसका असर ज्यादा होता है, इसलिए वायु प्रदूषण खराब होती है, जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। चिकित्सकों ने बताया कि धूल भी इसका मुख्य कारण है, कहते हैं वरिष्ठ चिकित्सक। भागलपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि पॉपुलेशन एक जानलेवा चीज है, हेल्थ पर कई तरीके से असर करता है। शॉर्ट टर्म में निमोनिया एवं कई बीमारियां हो सकती हैं, लंग्स टर्म में कैंसर तक हो सकता है। यह दुखद बात है कि भागलपुर का वायु प्रदूषण लेवल इतना ज्यादा है कि यहाँ इंडस्ट्री भी ना मात्र है। हम लोगों को देखना होगा कि इसका वजह क्या है। इस समय बच्चों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसे मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि जिले में मंगलवार से 12 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान सामान्य रह सकता है और न्यूनतम तापमान में हल्की कमी आ सकती है। सुबह में हल्की धुंध रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मंगलवार को 260 रहा, जो एक दिन पहले सोमवार को 301 था। कचहरी चौक का AQI 220 रहा, जो एक दिन पहले 262 था। मंगलवार को AQI में कमी आई है। भागलपुर से कुमार छोटू की रिपोर्ट। पॉल्यूशन तो एक जानलेवा चीज़ है, हेल्थ पर कई तरह से असर करता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ब्रोंकाइटिस निमोनिया वगैरह हो सकता है, सांस फूल सकता है, लॉन्ग टर्म में कैंसर तक हो सकता है। ये बहुत दुखद बात है कि भागलपुर का पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है, जबकि यहाँ इंडस्ट्री भी नाम मात्र का है। ऐसे में हम लोगों को देखना होगा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जाम की समस्या भी है कि जाम की जब समस्या होती है तो ज़्यादा देर तक शहर में गाड़ी खड़ी रहती है और वो धुआं छोड़ते रहता है, तो उसके वजह से होता है। दूसरा, जनरेटर वगैरह भी कई जगह चल रहा होगा तो उसको भी देखना पड़ेगा किस तरह का उसमें व्यवस्था है पॉल्यूशन कम करने का। तीसरी बात जो है वो है कि जो पॉल्यूशन चेक करने के लिए जो व्यवस्था बनी है, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नियम है कि आप दीजिए, तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट लिया जा रहा है कि उसका चेक भी होता है कि फॉल्स रूप से पैसा दिए सर्टिफिकेट लिए, ये हो रहा है कि उसको ठीक भी किया जाता है। यदि पॉल्यूशन दे रहा है गाड़ी ज़्यादा, उसका मानक नहीं है, तो क्या उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है या नहीं दी जाती है? तो इन सारे बातों को, प्लस इंडस्ट्री बहुत कम है लेकिन फिर भी जो भी है उनको भी देखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग एयर जो क्वालिटीज़ है भी, उसको उसमें कैसे सुधार ला सकता है? स्वास्थ्य विभाग का तो डायरेक्ट ये लिंक नहीं है, ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट एक अलग है और उनको ही ध्यान देना पड़ेगा। पॉल्यूशन जो जिस कंसर्न अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं उनको देना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग तो इससे जो कंसिक्वेंसेस है, इससे जो प्रभाव पड़ेगा उसको डील करेगा, तो स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। हाँ, लोगों को सचेत कर सकता है कि आप मास्क पहन के चलें, खास करके वैसे लोगों को जिसको सांस की प्रॉब्लम है वो मास्क पहन के चलें, और थोड़ा सा मास्क भिगा के रखने से थोड़ा सा कम जाता है। बच्चों को क्या सलाह देंगे, बच्चों को पेरेंट्स में इसमें क्या कमियां बरतनी चाहिए? पॉल्यूशन तो ऐसा चीज़ है कि हवा में घुला रहता है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से यदि उसमें भी जैसे बच्चे जिसको बार बार सर्दी खांसी हो रहा है या कफ हो रहा है, तो वो थोड़ा सा अभी थोड़ा बाहर जाने से खतरा है, क्योंकि छोटे बच्चे में मास्क भी पहनना मुश्किल हो सकता है कि मास्क पहनने का सलाह नहीं दिया सकता। वायु प्रदूषण की जो स्थिति है, ऐसे में सांस वगैरह लेने में कोई खतरा? नहीं, खतरा तो बताया आपको कि शॉर्ट टर्म में निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और लॉन्ग टर्म में कैंसर तक हो सकता है, और भी कई तरह का चीज़ होता है जो सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। धन्यवाद। बढ़ती महंगाई में मूर्तिकारों की माली हालत हो रही खराब, डूब रहे कर्ज में। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का एक अलग ही महत्व है, चाहे दीपावली हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या फिर विश्वकर्मा पूजा। किसी भी आयोजन में मूर्ति पूजा काफी मायने रखता है और हर मंदिरों में इसकी स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा कर नियम निष्ठा से पूजा की जाती है। वहीं मूर्ति बनाने वाले कुम्हार पंडित की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। 40 वर्षों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे अंबे के रंजीत पंडित ने बताया कि
हम लोग के पूर्वजों से चली आ रही यह मूर्ति बनाने का व्यवसाय अब दयनीय स्थिति में जा रहा है। मूर्ति तो बनते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। पवाल, बांस, सुतली सबों का दाम हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों को पर्याप्त मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हम लोगों की माली हालत खराब होती जा रही है। सभी चीजों का दाम बढ़ गया है। पहले इतनी परेशानी नहीं होती थी, अब गंगा की मिट्टी भी काफी महंगे दामों में मिल रही है, जिसके चलते हम लोग काफी परेशान हैं और पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। हम मूर्तिकारों पर सरकार भी विशेष पहल नहीं कर रही है। अगर सरकार ध्यान दे तो हम लोगों की माली हालत सुधर सकती है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हम लोगों के पिताजी 1954 ईस्वी से यह काम लगातार करते आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने का जिम्मा मैंने लिया है, लेकिन अब संभव नहीं हो पा रहा है। हम लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। भागलपुर से कुमार छोटू की रिपोर्ट। आप सबसे तैयारी करते हैं? हम मूर्ति 12 साल की उम्र से ही बना रहे हैं। आज हम 40 से 45 साल से मूर्ति बना रहे हैं। जिस टाइम हम 12 साल के थे उसी टाइम से मूर्ति बना रहे हैं। मेरे बाबूजी 1954 से मूर्ति बनाते थे, बाबूजी जिससे हम काम सीखे हैं। उस समय की बात कुछ और था। उस समय सामान हमको अगर 5 रुपया भी मूर्ति बनाने का मिलता था तो उसमें हम लोग को 3 रुपया प्रॉफिट होता था, और अभी क्या है, अभी अगर 20,000 भी मिलता है तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं। इसलिए कि चूँकि दाम इतना सामान का बढ़ गया है ना कि कहाँ नहीं जा सकते। हाँ, कितनी मूर्ति तैयार कर लेते हैं? वही 10 से 12 मूर्ति। कितने दिन लगता है एक मूर्ति में? 10 दिन मान के चलिए। क्या लागत लगती होगी? लागत तो देखिए, कहीं पार्टी भी सामान देता है तो वहीं हम लोग को थोड़ा सा जो है ना, जहाँ अपना लागत लगता है वहाँ तो समझ लीजिए कि कम से कम अगर एक मूर्ति 20,000 का है तो 15,000 से 10,000 रुपया का लागत लगता है। सामान महंगाई इतना है ना, वही 2,000, 4,000, 5,000 रुपया का प्रॉफिट में हम लोग जो है ना सामान में। साल में कितना मूर्ति तैयार करते हैं? मूर्ति तो एक साल में बहुत मूर्ति कम से कम जो है ना गिनती थोड़ी है, तैयो फिर भी 200 मूर्ति तैयार हुई है। हाँ, चिंजली मूर्ति जैसे काली पूजा में 10 मूर्ति बना। भरण पोषण हो जाता है? हाँ, पैसा हमारा भरण पोषण हो जाता है। भरण पोषण नहीं होता है, जब तक काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। जब काम बंद हो जाता है तो हम लोग का तो सीजन का काम है। सीजन कहीं कुछ नहीं है। सामान में देख लीजिए, सामान सब चीज़ का रेट इतना बढ़ गया। पहले क्या था कि मूर्ति 10 रुपया का अगर यदि सामान मिलता था तो अभी 30 रुपया में मिलता है। सामान है, हर चीज़ है, तख्ता है, पुआल है, आपका सुतली है, कांटी है, मनी बांस है, धान का जो भूसा होता था वो सब भी महंगा हो गया है। आपको ये विरासत में मिली है? हाँ, आपके पिता से। क्या हाँ, आप अपने बच्चों को इसको नहीं? नहीं, यही सब लेकर के रात दिन की परेशानी है। पैसा कौड़ी देने में भी दिक्कत करता है, मानी जहाँ 5 रुपया का काम है वहाँ 2 रुपया लीजिए, 4 रुपया लीजिए, बहुत तरह की बात है। इसलिए कि अपने बच्चे को इस सब लाइन में हम नहीं घुसाए। क्या नाम है? रंजीत पंडित, अम्बई, भागलपुर। राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन केक काटकर एवं वृक्षारोपण कर धूमधाम से मनाया। भागलपुर सुल्तानगंज में राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन केक काटकर एवं वृक्षारोपण कर धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला परिषद सदस्य सह राजद जिला महिला अध्यक्ष एवं 20 सूत्रीय सदस्य आशा जायसवाल, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविंद कुमार, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नट बिहार मंडल, जिला महासचिव शशि कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष सदानंद कुमार, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मिराज, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने की। कार्यक्रम का मंच संचालन राजद के नगर अध्यक्ष अफरोज आलम ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी मुख्य अतिथि ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर केक काटकर एवं वृक्षारोपण कर मनाया। कार्यक्रम में सभी मुख्य अतिथि को राजद कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा एक नए कार्यकर्ता सच्चिदानंद सिंह को पार्टी में जोड़ते हुए फूलमाला से सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि एवं राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने की बात कही और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने की बात कही गई।
सुल्तानगंज से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोगों के नेता, युवाओं के आइकॉन, युवा हृदय सम्राट, बिहार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड में यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं और इस अवसर पर हम संदेश देते हैं बिहार को, बिहार के युवा शिक्षित बने और शिक्षित बनकर जो आज हमारे नेता ने लगातार रोजगार के अवसर दे रहे हैं। बिहार में आज नौकरी की बात होती है, हमारे नेता ने अभी आपने देखा कि एक ही दिन में, एक ही समय में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। तो आज इस अवसर पर मैं यही संदेश दूंगा कि बिहार में जाति पाति सांप्रदायिकतावाद का अंत करो और सभी युवा, जो हमारे नेता का भी संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित हुओ, संघर्ष करके रोजगार पाओ और नौकरी करो, एक अच्छा बिहार बनाओ। यहाँ हमारे नेता ने उद्योग धंधा लगाने की बात करते हैं, यहाँ हमारे नेता ने गरीबों के बीच में शिक्षा बांटने का काम करते हैं, लेकिन हमारे विरोधी जात पात धर्म संप्रदाय बांटने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे नेता का कहना है कि बिहार में शांति का संदेश, आज हम लोग अशोक का वृक्ष लगाकर शांति का संदेश भी दिए हैं और हम लोग आज बाबा अजगैवीनाथ धाम में हैं। इसलिए बाबा अजगैवीनाथ धाम में यही कामना करते हैं कि हमारा नेता जिए हजारों साल, जिए योजना का बरसात करते रहे ताकि अगला निकल रहे। मैडम सब आज के दिन जो बिहार में जो तस्वीर यादव का जन्मदिन, क्या सौगात महिलाओं को मिलने जा रही है? महिलाओं को तो सौगात दे ही रहे हैं, अभी भी देखिए अभी जो टीचर बाहर जो नियुक्ति पत्र हुए उसमें तो ज्यादातर महिलाओं को नियुक्ति पत्र बटा है, तो महिलाओं को सौगात मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। फर्जी फाइनेंस कंपनी के 600 महिलाओं को लगाया तकरीबन 3 करोड़ रुपए का चूना, रातों रात कंपनी हुई फरार। अगर आपके घर में भी कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग पहुंच रहे हों तो हो जाएं सावधान, क्योंकि भागलपुर ही नहीं, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फर्जी लोग घूम घूम कर लोगों से पैसा ठगने का काम कर रही है। यह फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अभी तक 600 से ऊपर लोगों को चूना लगा चुकी है। फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फर्जी ठग कर्मियों ने अभी तक सैकड़ों महिलाओं को 65,000 रुपए लोन देने की बात कहकर 5,000 रुपए ठगी कर गायब हो चुके हैं। इस ठगी की शिकार सैकड़ों महिला आज इशाकचक थाने का घेराव किया और अपने पैसे को दिलाने की बात करते दिखी। महिलाओं ने कहा कि फर्जी फाइनेंस कंपनी के लोग हम लोगों से 5,000 रुपए करके लिए और मोटी रकम लोन देने का सपना दिखाकर रातों रात पैसे लेकर फरार हो गए। इस बाबत इशाकचक थाने की पुलिस ने जिस मकान में अवैध रूप से माइक्रो फाइनेंस कंपनी चल रही थी उसके मकान मालिक को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई है और पूछताछ कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि इतने फर्जी कंपनी लोगों को ठग चुकी है, फिर भी लोग ऐसे फर्जी कंपनी के चक्कर में फंस कैसे जाते हैं? अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर प्रशासन किस तरह शिकंजा कसती है, या फिर ऐसे फरार ठग ही लोगों के पैसे लेकर घूमते रहेंगे और भोली भाली जनता को अपना शिकार बनाते रहेंगे। कितना आदमी दिए आप लोग? 13 ग्रुप दिए हम सब। 13 ग्रुप में कितना आदमी था, कितना महिला? एक ग्रुप 5,000 करके दिया। ग्रुप बाज लिया है 13 ग्रुप आदमी भाई, आदमी लिए कौन लिया था, पहचानते हैं उसको? अमित कुमार लिया है, अमित कुमार लिया है।
चंदन सर के लिए आए या फिर ऑफिस है? ऑफिस से आके घर पे? हां ऑफिस से बुलाया था, ऑफिस में बुलाया था, ऑफिस में पैसा लिया, घर में चार लिया। हां ऑफिस कहां पर है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फोटो है उसका? कितना पैसा पर लिया सबसे? 55,000 ले ला सबसे। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं? हम लोग का पैसा चाहिए। हमको पैसा चाहिए। क्या नाम है आपका? हम लोग को पैसा दे दो। हमरा मंत्री ज्यादा फूल नो देबे। कितना लिया? 5,000। क्या बोला था? बोला कि हम लोन पास करेंगे 55,000। 3,000 और 9 तारीख को बुलाया गया यहाँ पे। हाँ अभी यहाँ पे सर ना है, तले लोग है बैंक में। क्या बोला फिर यहाँ आए तो? यहाँ होबे नहीं किया तो बोलेगा कौन? फोन किया? फोन आया था घर पे? नंबर दिया था? फोन नंबर दिया है? नंबर फोन के क्या बोल रहा है? फोन पे कुछ नहीं बोल रहा है अभी। फोन पे क्या नाम है? नूतन देवी। देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।